रहा है हार्दिक। और इस बार काफी अच्छी गेंद रिप्ट होकर अंदर आ रही थी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर रमेश द्वारा, उतनी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक। इस बार जल गया है रमेश को छह रनों के लिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर रमेश उर्फ इंडियन रैम्बो के चाहने वाले बहुत है यहाँ पर। और फिर से आप वो एक खूबसूरत सी मुस्कान देख सकते हैं रमेश के चेहरे पे। और एक बार बिल्कुल जब मुस्कुराते हैं विकेट पाते हैं, और जी इसीलिए उन्हें कहा जाता है रैम्बो, रैम्बो इंडियन रैम्बो। बहुत ही अच्छा, दो बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल की है और ग्रीस टू की लड़ाई भी पारी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर रिसेशन स्कोर हो चुका है सर 20 रन 20 रन। अब आए हैं नए गेंदबाज नीलेश नंदा, नीलेश नंदा यानी NN या N स्क्वायर है नीलेश नंदा, डबल N। 21 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट, 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर निवेश गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म। बहुत ही अच्छा गेंद अंदर, गिल्ली आउट पर डंडिया बाहर, बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा, झटका बॉल, एक बहुत बड़ी विकेट। अब देखना होगा कौन से ऐसे बल्लेबाज है जो जल्द से जल्द अंदर जाएंगे। अब आए हैं नए बल्लेबाज, बैटर नेम सर आनंद। और इस बार काफी अच्छा समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए आनंद एक रन लेने में सक्षम रहे और काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहां पर मिले एक बेहतरीन एक्शन के साथ। और इस बार फिर के हाथों पर खेला है बल्लेबाज ने, शॉर्ट ओवर के भीतर में गेम किया, एक रन से यहाँ संतुष्ट होना पड़ेगा। और फिर से इस पर आए हैं बैटिंग टीम के साथ, बहुत ही खूबसूरत काफी अच्छा बेहतरीन अटैकिंग यहाँ पर और डिफेंस में रखा हुआ है ग्रीस टू को। और इस बार उठा कर खेलने में मजबूर किया है और क्या बेहतरीन शतक किया था और बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाया है तिरकी के निलेश ने और एक सफल बल्लेबाज को चक्का किया है आउट करके ढक्का आउट की तरह। थोड़ी सी परेशानी में जरूर और इस बार हल्के हाथों से खेला है, काफी अच्छा सम्मान लिया क्योंकि काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। और इस बार फिर से बहुत ही अच्छा बेहतरीन लेंथ का काफी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी अच्छा वक्त यहाँ पर घट रहा है तो उससे काफी अच्छी तरीके से समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। अब है स्ट्राइक पर पॉपिंग क्रीज पर बल्लेबाज शैलेश। और इस बार काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म चलाना चाहते थे लेकिन बैट का ऊपरी हिस्सा लगा, रन लेने में कोई यहां पर सक्षमता नहीं दिखाई दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस बार काफी अच्छी बेहतरीन एक लॉफ्टेड डिलीवरी, सोच बहुत अच्छी थी बल्लेबाज शैलेश जी की। और इस बार काफी अच्छा गैप में खेला हुआ शॉट, थ्रो बेहतरीन स्पॉट ऑन, यहाँ पर दूसरे का बॉल है लेकिन मना किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, चाहते हैं कि आसानी से भी बल्लेबाजी करें। यहाँ पर विकेट काफी गवा चुके हैं यहाँ पर ट्रीज टू। और इस बार फिर से हथियारों से खेला है काफी अच्छी अटैकिंग फील्ड के साथ, गेंद पर जरूर आए थे रन लेकिन काफी आगे गेंद गिरी जिसे कहते हैं नो मैन्स लैंड एरिया में गेंद गिरी। और इस बार फिर से देख सकते हैं हम रमेश उर्फ रैम्बो को बैट लगाया है गेंदबाज ने
और काफी अच्छा प्रयास, बहुत ही बेहतरीन कड़क शॉट जरूर था लेकिन उतनी कड़क फील लेंगे फील्डर द्वारा, एक हाफ चांस जरूर था वो। और इस बार देखना होगा गेंद कहां जाकर टकराई है, अंपायर की उंगलियां बता रही है हमें जी हां गेंदबाज की गेंद लगी टॉप एज पर, बल्लेबाज के आउट होकर बल्लेबाज को डगआउट की तरफ आना होगा, यानी कि यहां पर ऑल आउट होते में 25 रन बनाए हैं और 26 रन का लक्ष्य है, तो प्लीज जल्द से जल्द सर वापसी यहां पर आए और काफी देर के आते बहुत ही छोटा एक गोल यहां पर खड़ा किया है प्लीज ने 36 रनों का लक्ष्य। प्लीज अंपायर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्द से जल्द अपनी पोजिशन पाए सर और मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें, प्लीज ने अपनी टीम लगा दी है और दोस्त की योग प्लीज जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज भेजे सर, 26 रनों का लक्ष्य है, देखना है कितना जल्द दोनों ही बल्लेबाज यहां पर दोस्ती टीम से आ चुके हैं और उसके लिए आए हैं डिफेंड करने के लिए गेंदबाज पहले ओवर लेकर विनोद विनोद जी आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, विनोद जी आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, अंपायर का इशारा होता हुआ और बहुत ही अच्छी गेंद शर्मा से की गेंद कोई रन नहीं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर विनोद जी की और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया और यहां पर ऋषि ने पहले गेंद पर डॉट जरूर था और दूसरी गेंद कवर की दिशा में हल्के हाथों से खेलकर एक रन पूरा किया है, अब आए हैं काफी अच्छे बल्लेबाजी यहाँ पर सचिन से फिर से हल्के हाथों से स्लिप ऑफ द रिस्ट यहाँ पर देखने को मिला है, आसानी से एक रन यहाँ पर बटू रहे अपने टीम के लिए और खुद के खाते में और ऊपर कड़क प्रहार था कारपेट के शॉट बहुत ही कड़क शॉट था लेकिन उतनी ही उनका फील्डिंग वहां पर देखने को मिली, काफी अच्छा जान झोंकते हुए लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिशा में झटके हैं और अंपायर ने नो का इशारा किया है और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद और उतनी ही बेहतरीन इनका विकेट कीपिंग विकेट कीपर द्वारा, कोई रन नहीं और एक डॉट बॉल, इसी तरह की डिसिप्लिन गेंदबाजी की बहुत जरूरत और जी बिल्कुल बल्लेबाज ने इस बार तकमों का किया है सहारा, गेंद निकल गई है तीर के बीच चार रनों के लिए, इन बार मिला है चार रन बहुत ही बेहतरीन महीन सी से दरार उसने से ढूंढ निकाला है खूबसूरत से चार रन, अब आए हैं गेंदबाज हार्दिक, इससे पहले काफी अच्छी गेंदबाजी की थी इसके पहले मैच में अपने चक्रव्यूह में फंसाया था बल्लेबाजों को, देखना होगा यहाँ पर तो बहुत जरूरत है यहाँ पर उस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर उन्हें 10 गुना बेहतर करनी होगी अगर इस मैच में अपनी पकड़ बनानी है मजबूत, बेहतरीन हार्दिक की पहली गेंद पर उनका किया है स्वागत 6 रनों से क्या बेहतरीन शॉट यहां पर, एक बार फुल टॉस लाइन की गेंद दी थी बिल्कुल फिर से एक बार हमने चक्रव्यूह में संचित नाम के बल्लेबाज को बताया है, विनोद जी ने किया है कैच को कंप्लीट और एक सफल बल्लेबाज को आउट करके भेजा है टाइम आउट, अब आए हैं नए बल्लेबाज
अभिजीत की हुई है जीत, दो विनर जरूर आए थे लेकिन गेंद हाथ को लग कर सीधा निकल गई है के लिए। क्या बेहतरीन शॉट, कड़क शॉट, काफी अच्छा प्रयास था फील्डरों का लेकिन गेंद काफी दूर थी और चाहिए सिर्फ 7 रन जीत के लिए। तो देखना होगा कितना बल्लेबाज यही खासियत है हार्दिक की, लंचाएगी गेंद जरूर देते हैं लेकिन काफी विकेट लेने में सक्षम है। अटैकिंग बॉलर है, अपने ताकत से हटकर गेंदबाजी नहीं करते, भले रन पड़ जाए लेकिन ये बहुत अच्छे खिलाड़ी की एक निशानी होती है सर, जो अपने स्ट्रेंथ पर खेले। जब कुछ सही ना बैठे तो एक बेसिक रूल होना चाहिए और वही बेसिक रूल के साथ यहाँ पर हार्दिक गेंदबाजी करते हुए भले रन पड़ रहे लेकिन विकेट भी हासिल कर रहे हैं, ये एक अपने स्ट्रेंथ पर रहकर खेलना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हार्दिक की और ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंद लेकिन इतना ही अच्छा अंदर शॉट कहूंगा कैच में खेला गया जहां पर कोई फील्डर नहीं मौजूद और आखिरी गेंद हार्दिक की। और 6 रन की जरूरत है और 6 रन के लालच में देखिए मैंने कहा ना अपने स्ट्रेंथ पर हार्दिक अपने स्ट्रेंथ पर खेलते हैं, बहुत ही बेहतरीन लज्जाई विकेट गेंदी लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर हार्दिक की, विकेट लेने में सक्षम रहे हैं। लज्जाई भी गेंद बल्लेबाज ने चहल कदमी भी की लेकिन प्लेसमेंट करेक्ट नहीं कर पाए, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां भी गई हार्दिक के लिए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी सर, भले एक सिक्स जरूर खाया लेकिन 3 विकेट भी हासिल किए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर किसी गेंदबाज के में अगर कम है तो 3 विकेट ले ले मैच जीत सकते बॉलर नेम सर, बॉलर नेम सर शैलेश, शैलेश तोमर जी आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। ये थोड़ी सी नो कर बैठे और 1 रन और कम होगा यहां पर यानी अब चाहिए जीत के लिए 5 रन। नो गेंद और मैच का क्या होगा समापन यहां पर देखना होगा, हमें रहेगा इंतजार स्कोरर का। और यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशन टू, आप मैच जीत चुके हैं सर, दोस्ती योग है बंद मैच एंटर आगे के राउंड में एंट्री लेंगे और ऑल द बेस्ट क्या सर, बहुत ही अच्छा एक बार जोरदार ताली वाली चाहिए 3-2 के लिए, क्या भी अच्छे एंटरटेनमेंट दिया है हार्दिक के लिए, बहुत हार्दिक के लिए एक तालियां जरूर होनी चाहिए, शैलेश तोमर सर के लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की सर, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी विकेट यहां पर हासिल किया आपने। इसके बाद खेले जाने वाला मैच आर्केड अर्थ एंड दोस्ती ओ, प्लीज जल्द से जल्द यहाँ पर मेरे ख्याल से बोलिंग लिया है दोस्ती ओ ने, तो यानी दोस्ती ओ अपनी टीम सजाए
umpires, can we immediately begin with the match? Faculty make a representative please with the
यहाँ पर आए हैं नए बल्लेबाज अभिषेक, गेंदबाजी पर है एन स्क्वायर यानी विलेश, गेंदबाजी मार्ग पर और बहुत ही अच्छा फिर से भी करार होगा गेंद का पहुंचा दिया है ताकत और जर्रे क्या खूबसूरत का बहुत ही एक कोई मौका नहीं दोनों ही फील्डरों के बीच में से इतना ताकतवर प्रहार अगर कोई कर सकता है तो क्या बल्लेबाजी। और इस बार फिर से लॉफ्टेड ओटीटी ओवर द टॉप वन पाउंड इनटू द फेंस फोर चार रनों के लिए बहुत ही अच्छी तस्वीर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अभिषेक दो गेंदों पर दो चौके लगाकर बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। और इस बार क्या बेहतरीन शॉट है बल्ले की, क्या बात है बेहतरीन कंधे का इस्तेमाल करते हुए बल्ले से किया है हल्ला, पूरा मोहल्ला जाग गया है इनकी बल्लेबाजी से। और ये फुल टॉस गेंद थी और नो भी थी और अंपायर का इशारा नो का और दोनों हाथों को ऊपर करके बताया कि ये 6 रन है यानी कि पूरे 5 रन। यहाँ पर निलेश काफी अच्छी बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने निलेश से पूरा प्रेशर डाला यहाँ पर 2 मैच के बाद 4 रन के बाद यहाँ पर 6 रन। ये कहते हैं कम बैक, बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, बल्ले से थोड़ा सा दूर रखा गेंद को टर्न किया बल्लेबाज को डिसीव किया का बेहतरीन गेंद थी। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज द्वारा, यहाँ पर स्कोर हो चुका है सर 55 रन। और इस बार तो हिट भी गेंद थी, इसी गेंद को तो ये कभी छोड़ेंगे नहीं अभिषेक, और इसी गेंद पर 6 लगाकर अपना स्कोर पूरा किया है स्कोर का 60 रन 6। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन। दोनों बल्लेबाज 26 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और इस बार क्या कड़क प्रहार है, उतनी ही उनका फील्डिंग है बेहतरीन फील्डिंग
काफी अच्छा शॉट बैकफुट से काफी अच्छे बैकलिंग के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 27 की डिजिट स्कोर तक पहुंच चुके हैं। अब है 36 रनों पर खेलते हुए बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए और यहाँ पर पावरफुल बल्लेबाज ने लिया है पावर गेंद और क्या बात है बेहतरीन गेंद बहुत ही जबरदस्त देखना का दूसरे का कॉल एक पूरा हो पाएगा एक पूरा किया है दूसरे पर किया है आउट और बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा डक आउट यानी पावर गेंद पर मिलेंगे एक यानी एक का डबल जो कि किया था वादा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का गेट बोर्ड फ्रॉम योर बैंक जा रहे हैं नए बल्लेबाज शुभम नाम के बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा डक आउट की तरफ और बहुत ही अच्छी दरारों में खेली हुई शॉट अभिषेक के बल्ले से एक रन का ही संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए ऋषिकेश काफी अच्छा लेकिन थोड़ी से बल का दूसरे का कॉल है क्या कर पाएंगे जी नहीं थोड़े से ज्यादा ओवर रन कर गए थे इसलिए दूसरे का मौका ही नहीं मिला थोड़े से परेशान हो फिर दूर से किए क्या हो गया कभी कभी हो जाता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है तो टेंशन नहीं लेना और अभिषेक के यहाँ पर रन हो चुके हैं 29 रन यानी मात्र एक रन दूर है अपने रन कोटा से और काफी अच्छा फिर से ग्राउंड शॉट और क्या बेहतरीन थ्रो थे दूसरे का कॉल है लेकिन मना किया यहाँ पर प्रसाद ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर अपने पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर दिखाया है दोनों ही खिलाड़ियों ने और 30 रन के बाद यहाँ पर रिटायर्ड होंगे अभिषेक और प्लीज जल्द से जल्द बल्लेबाज रिप्लेस करें सर इतना वक्त ना ले प्लीज और अभिषेक के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है खूबसूरत बल्लेबाजी वहां पर जोर बल्लेबाजी पूरे समीकरण बदल दिया पूरे हालात चेंज कर दिए सब कुछ चेंज कर दिया और शो हो चुका है अब तक प्रसाद प्रसाद इज ऑन स्ट्राइक नाउ और नाउ स्ट्राइक पर है बल्लेबाज 66 हो चुके हैं क्या बात है क्या बेहतरीन गेंदबाजी है ऋषिकेश बहुत ही जबरदस्त लेग ब्रेक से रनों पर ब्रेक लगाने में रहे कामयाब बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आखिरी गेंद डॉट थी स्कोर हो चुका है सर 66 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट 66 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आकाश प्रसाद है नॉन स्ट्राइक पर आकाश और आकाश में काफी ज्यादा आकाश में गेंद को भेज दी है जिसकी वजह से आउट होकर जा रहा होगा रेड आउट की तरफ हवा है नए बल्लेबाज विवेक और इस बार फिर से विवेक ने भी वही गलती कर दी यहां पर फिर से ओवर हिट कर दी है जाकर गेंद टकराई है नेट से बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा डक आउट की तरफ यहां पर काफी अच्छे गेंदबाजी करते हुए यहां पर गेंदबाज अब आए हैं नए बल्लेबाज जो बैटर नेम सर बैटर का नाम सर रमाकर ओके ओके अब आए हैं सीनियर प्लेयर और बहुत ही अच्छा सीनियर प्लेयर बहुत ही खूबसूरत शॉट दिखाया है देखा है यहाँ पर अंपायर का सवाल पूछा है और रैम्बो ने क्या थ्रो किया है बेहतरीन लेजेंड ऑफ पंचर इसे कहते हैं इंसान के पास दो चीजें होना जो दो दो चीजें हैं अगर वो खुली हो तो वो काम की होती है अगर बंद हो तो बोझ होती है एक छतरी और एक दिमाग अगर दोनों खुले हैं तो काम